गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नमाज सुबह की हो चुकी है। चुलबुल आप लेट हो गए। सीन ये हुआ है गाइस कि आज है ना मेरा ऑफिस जाना हो गया कैंसल। तो हेलो चुलबुल, कैसे हो आप? चलो चलो जल्दी बाहर आओ, सबको ईद मुबारक नहीं कहनी है आपको? जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ चुलबुल। गाइस आपको पता है चुलबुल अपने आप दरवाजा खुलता है। पड़ेगा फिर मेरे पास आएगा ये। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स हीना पेट लवर व्लॉग। होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। सभी को हमारी ओर से आदाब सलाम नमस्ते। सभी के दिन बीते हंसते हंसते। देखो चुलबुल को, मेरे इस पे ये मोर बना है ना, इसको खा रहा है शायद, इसको इसकी प्रजाति का लग रहा हूँ। चुलबुल एयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रही हूँ मैं? चुलबुल सुंदर लग रही हूँ मैं? देख तो नहीं बोलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। चुलबुल काम है बच्चे को। चलो चुलबुल सबको ईद मुबारक विश करते हैं। सभी को मेरी और मेरे प्यारे प्यारे चुलबुल की ओर से ईद बकरीद मुबारक। ईद मुबारक नहीं, बकरीद मुबारक है ना चुलबुल? काम है बच्चे को। गुस्सा आ रहा है पता नहीं किस बात का, मेरी नई नई ड्रेस फाड़ने में लगा हुआ है, सजदा पढ़ने लग गया। नमाज सुबह की हो चुकी है। चुलबुल आप लेट हो गए। हाँ आप लेट हो गए, आप सजदा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और क्या। चुलबुल कह रहा है मुझे जब सुबह बाहर निकाल दिया तो मैं कैसे पढ़ता। जी हाँ गाइस, एक्चुअली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो रहा था और हमने चुलबुल को बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि आज का वेदर बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत ही प्यारा, बारिश हो रही थी, बहुत सुंदर मौसम था। तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों मज़े लूँ, क्यों ना मेरा चुलबुल भी साथ मज़े ले। तो फिर हमने चुलबुल को बाहर रखा, चुलबुल नहाया और बहुत इंजॉय किया इसने। मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरे पास काम था। देखो 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 देखो, गुस्सा आ रहा है इसका। ले खा ले 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 ले, खा ले खा ले खा ले। काटता नहीं है ये बिल्कुल भी, मुझे नहीं काटता, औरों को पता नहीं। अभी फ़िलहाल ये गुस्से में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गई, बहुत देर से सोच रहा था मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, और मैं इसे बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। चुलबुल सो गाइस, जब मैं फाइनली रेडी हो गई तो मैंने सोचा अब चुलबुल को बाहर निकालते हैं ताकि आप लोगों से भी मिलवा सके और चुलबुल की ओर से सबको विशिंग दे सके, है ना, हमारे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को ईद मुबारक, है ना चुलबुल? चुलबुल हाँ हाँ ही करना आता है, और कुछ भी आता है या नहीं आता? सो रहा है चुलबुल, सो जा सो जा। नहाते इसको नींद आती है, नहाने के बाद ये बहुत शांत हो जाता है, किसी से बात नहीं करता। अभी इस टाइम सो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं देख रहा तुमको। मैंने आपको बताया था नहीं, ऑन कैमरा मस्ती नहीं करता है, ऑन कैमरा इसको पसंद नहीं है कुछ भी करना। जब हम किसी भी पेट को प्यार करते हैं या हमारे जो पेट्स होते हैं वो उसी के पास आरामदायक महसूस करते हैं जिसको वो प्यार करते हैं, मानते हो ना आप लोग इस बात को? तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जो मेरी इस बात से सहमत है, जिसको लगता है कि यस हमारे पेट्स भी हैं और जैसे ही हम उनसे मिलते हैं तो वो एक सुकून महसूस करते हैं, है ना चुलबुल? चुलबुल को सुकून मिलता है ना मेरे पास आके, हैं? चलिए गाइस, अब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज आप लोगों को विशिंग देनी थी तो मैंने आज सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों से मिल भी लूँ, और बहुत टाइम हो गया था चुलबुल भी नहीं मिल पाया था, है ना चुलबुल? तो गाइस मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए और इतना सारा प्यार करने के लिए, पर मुझे आप लोगों के बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ही तो चुलबुल और मैं कुछ कर पाएंगे, है ना चुलबुल? है ना चुलबुल, प्यार मिलता है तो बहुत कुछ होता है ना। चलो बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय चुलबुल, बाय बाय गाइस। वीडियो को लाइक
शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके ले जा। हेलो एवरीवन, सो अभी सीन ये हुआ है गाइस कि आज है ना मेरा ऑफिस जाना हो गया कैंसल, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से वीडियो शूट कर लूँ। और वीडियो शूट करने का पर्पस ये था कि पहले वाली वीडियो में मेरी मेहंदी नहीं आई, तो सोचा अभी दिखा दूँ। सो गाइस, मैंने ना एक्चुअली ये मेहंदी लगाने की वजह से ऑफिस थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली सीन ये हुआ था कि बिना मेहंदी के मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मैंने सोचा चल लगवा ले तो जल्दी सूख ही जाएगी। मुझे क्या पता मेहंदी सूखने में कम से कम एक घंटा लगता और लगने में भी एक घंटा लगता, तो टोटल हो गए कुल मिला के 2 घंटे। और मुझे जाना था ऑफिस कम से कम 2 बजे तक, मुझे वहाँ लगभग लमसम पहुँच जाना चाहिए था, पर मैं नहीं पहुँच पाई। ओके, फिर सबने कहा फेस्टिवल है ऑफ तो लेना ही चाहिए। फिर मैं ऑन द वे थी, अपने थोड़े रिश्तेदारों के घर भी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आई, मैं मेहंदी लगाने बैठ गई और मैंने टाइम को नोटिस ही नहीं करा, बस मेहंदी लगा ली। आप लोग बता सकते हो कैसी लगी मेहंदी? दूसरी रात के भी दिखा देती हूँ। जिसने भी लगाई है बहुत अच्छी लगाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग बता सकते हो आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं। अब जाके ये मेहंदी सूखी है मेरी थोड़ी थोड़ी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ। सो और बताइए गाइस, आप लोगों का ईद की प्लानिंग कैसी चली कैसी नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने ईद को कैसे सेलिब्रेट करा कैसे नहीं, राइट? ये देखो सीढ़ी जैसे दिख जाती है, फिर इसके बाद इसको याद आता है कि इस झूले पे इसको बैठना है। ये देख रहे हो आप, ये देखो उड़ान भरने वाला है ये, जल्दी। यही चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। और रही बात इसके गेट खोल के आने की, तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से गेट खोल के बाहर आता है। सर चुलबुल भी आज खुश है क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ, और इसको ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी, तो यस अब मैं इसके साथ फ़न करूँगी, मस्ती करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी। हटना नहीं है, छेड़ ली मेरे बच्चे को, बाबू को छेड़ रही है। चुलबुल को पकड़ो, चुलबुल को पकड़ो। हाँ, कहाँ जाएगा मेरा बेटा? चुलबुल, हाँ चुलबुल, क्या किया? मिनी आई हुई बाबू को छूना चाहते हो? छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं मम्मी के सामने। खा जो तेरे को तुझे खा जाऊंगी तो प्यार कैसे करूंगी, है ना? मैं चुलबुल से प्यार कैसे करूंगी मैं? करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। केयर, बाय बाय, टेक केयर। दोबारा बोल दिया, कोई बात नहीं, एक चुलबुल की ओर से एक मेरी ओर से, है ना चुलबुल? जल्दी जाओ, देखा चुलबुल, बाय, टेक केयर, सबको बोलो गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो ईद जो है फाइनली हमारी ओवर हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 10। जी हाँ, और मैं आई थी एक्चुअली अपनी सिस्टर के यहाँ पर, हमारा डिनर था यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को मिट्टू से मिलवा दूँ, बहुत टाइम हो गया था ना मिट्टू से मिले हुए, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को मिट्टू से मिलवा दूँ। मिट्टू देखो, सब आपको हेलो कहना चाहते हैं, सब ने आपको बहुत मिस किया, सब ने आपको बहुत याद किया, है ना मिट्टू? मिट्टू बहुत ज़्यादा गुस्से में, हेलो मिट्टू, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। मेरी मिट्टू को मैं बहुत मिस करती हूँ, मैं इससे मिल नहीं पाती हूँ, पर ये जा रहा है वहाँ पर, बहुत खुश है और हेल्दी भी है ना मिट्टू? मिट्टू सबको हाय बोल दो, हेलो
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये आपको मिस कर रहे थे, तो सोचा आज आप लोग आपकी भी वीडियो बना दूँ। हालांकि मैं वीडियो को चुलबुल के वहाँ पर एंड कर चुकी थी, चुलबुल के साथ, पर मेरा मन किया कि मैं मिट्ठू के साथ देखूँ। और मैं आप लोगों को गोलू को भी दिखा देती हूँ। गोलू खा रहा है खाना, ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो जा रही है गोलू को मारने। गोलू भी बिल्कुल ठीक है और बहुत पहले से अच्छा हो गया, मैनर्स वाला हो गया। देखो हाथों से खाना खा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने है सुधारी है गोलू की। मिट्ठू आओ जल्दी, आओ जल्दी, आ गया मेरे पास। ए मिट्ठू, चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, क्या हाल चाल है, भूल गई तुम कैमरे में सबको हेलो हाय करती थी, हैं? बातें भी नहीं कर रही हो अब तुम। क्या हो गया मेरे बच्चे को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे को, मेरी प्यारी से मिट्ठू को। देखा कितने गुस्से में है ये, बहुत ज्यादा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। सभी को मिट्ठू गोलू की ओर से बकरीद मुबारक, ठीक है? सभी को हमारी ओर से बकरीद मुबारक, बाय, गुड नाइट। ये गुस्सा करे, कहाँ थे आप लोग इतने टाइम से, क्यों नहीं मिलने आए? सॉरी मिट्ठू, चलो चलो, बाय 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 बाय।